अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है क्लास नंबर 21। एंड आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ब्लेंड टूल, और ब्लेंड टूल और उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, ब्लेंडिंग से ही रिलेटेड। काफी मजेदार सी चीज है एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को यहाँ पहले तो जूम करके दिखा दूं कि ये है आपका ब्लेंड टूल। एंड करना क्या होता है, काम क्या होता है, वो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ब्लेंड जिस तरह से ग्रेडियंट का एक ब्लेंड होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, कलर्स का ब्लेंड होता है, ये ब्लेंड क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत सिंपल सी ब्लेंडिंग पहले तो समझाऊंगा। लेट से मेरे पास ये एक अदद सर्कल है और एक मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है, और मैं इन दोनों को आपस में ब्लेंड करना चाह रहा हूं। बड़ा सिंपल सा काम यह है कि इन दोनों को पहले तो आप बना लें। और मैंने यहां से ब्लेंड टूल लिया और मैंने एक बार यहां क्लिक किया और एक बार इसके पॉइंट पे क्लिक किया। सी, मैंने दोनों के सेंटर के पॉइंट्स पे क्लिक किया है। एंड आप बहरहाल किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर सकते हो। अगर गौर से देखें, बहुत सादा सी ब्लेंडिंग आपके सामने है कि एक सर्कल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता हुआ स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, और देखें इसके बीच के शेप्स इसने खुद हमें बना के दे दिए, ठीक है। लेट से मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूं। अगर मेरे पास तीन शेप्स हैं, ठीक है, एंड लेट से मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक, और एक मेरे पास स्क्वायर है एंड एक मेरे पास सर्कल है, ठीक है। जस्ट इन तीनों को मैं यहां जरा सेंटर में अलाइन भी कर देता हूं। और अब आपने ये करना है कि ब्लेंड टूल लेना है, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया एंड देन इस पे क्लिक किया। आई नो, देखें इस वक्त अगर आप लोगों के सामने देखें तो ये कुछ मीनिंगफुल सी चीज नहीं बन रही, बट मैं सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया देना चाह रहा था कि एक्चुअली ब्लेंड करता क्या है। अब जरूरी नहीं है कि डिफरेंट शेप्स को ही आप ब्लेंड करो, नहीं मतलब डिफरेंट टाइप के शेप्स को नहीं आप करें। आप ये कर सकते हैं कि साइज डिफरेंट हो उसको भी आप में यूज में ले सकते हैं। मैंने एक सर्कल बनाया और एक अदद और सर्कल बनाया और इसको मैंने कर दिया छोटा, ठीक है, और इन दोनों को मैं ब्लेंड कर रहा हूं। मैंने यहां क्लिक किया और यहां क्लिक किया। सी दिस, ये दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इस तरह से ब्लेंड हो गए। आप डिफरेंट शेप्स को भी आप डिफरेंट टाइप की लाइंस को भी कर सकते हैं। लेट से मेरे पास एक ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एंड एक और लाइन सेगमेंट यहाँ नीचे रखी हुई है। इसका स्ट्रोक का वेट मैं बढ़ा रहा हूं से 16, और इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके ब्लेंड करना चाह रहा हूं। देखें, एक और शॉर्टकट अब मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ इसके थ्रू आप ब्लेंड नहीं कर सकते, आप यहां से भी ब्लेंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में अगर आप जाते हैं और यहां पर आप नीचे देखें, आपके पास दिया हुआ है ब्लेंड एंड मेक, और इस मेक के आगे एक शॉर्टकट लिखा हुआ। मैं यूजुअली यही शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, ऑल्ट कंट्रोल बी या कंट्रोल ऑल्ट बी, आप जो भी कहें। बहरहाल ये करेगा कि इसको सबको ब्लेंड करके आपको दे देगा। अब गौर से देखें तो आपके पास बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज बनी हुई आ रही है। हाँ, यहां पे बहुत ज्यादा डार्क हो गया, बट हो क्या रहा है, इसकी सेटिंग्स क्या हैं, इसको किस तरह से चेंज करेंगे, ये सब मैं अभी आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। पहले तो मैं बहुत सिंपल सा आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि एग्जैक्टली ब्लेंड है क्या। ब्लेंड ये है कि आप डिफरेंट शेप्स को आपस में ब्लेंड कर सकते हैं। हाँ, इसमें इस ब्लेंड में एक और खासियत है कि आप डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट्स को भी आपस में ब्लेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसी लाइन को मैं येलो कर देता हूँ और इस लाइन को, बल्कि नहीं, इस लाइन को हम रेड कर देते हैं एंड थोड़ा सा ये ऑरेंजिश आ गया, एंड इस वाले को मैं येलो कर रहा हूं और इन दोनों को मैं ब्लेंड कर रहा हूं। अब देखिए, मैं इस वक्त वही शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, कंट्रोल ऑल्ट बी, इसने ब्लेंड कर दिया। और आप देखें तो आपको बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट आया दिख रहा होगा जैसे हम एक ग्रेडियंट में अप्लाई करते हैं। यस, ये आपके कलर्स को भी स्मूथली ब्लेंड कर सकता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हमें कुछ चीजें या कुछ सेटिंग्स चेंज करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपली जाएं यहां पर ब्लेंड टूल पे, डबल क्लिक कर दें, ठीक है, या आप यहां ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड पे जाएंगे
एंड ब्लेंड ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखें इस वक्त यहां पर स्मूथ कलर सेलेक्ट हुआ हुआ है। प्रीव्यू सबसे पहले ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को दिखे कि हो क्या रहा है। मैं यहां जा रहा हूं और यहां पर देखें हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाइड स्टेप्स। सो इस वक्त 217 स्टेप्स यहां पर इसने अप्लाई किए हुए। लेट से मैं कह देता हूं जी मुझे सिर्फ 5 स्टेप्स चाहिए, तो मैंने 5 टाइप कर दिया। सी दिस, ये अब सिर्फ 5 स्टेप्स आ रहे हैं। अब गौर से देखें हो क्या रहा है कि आपकी ये जो ओरिजिनल लाइन थी सही है वो इसके साथ ब्लेंड हो गई जो कि दूसरी मोटी वाली लाइन थी। ये जो बीच में ऑब्जेक्ट्स बने हुए आ रहे हैं ये इलस्ट्रेटर ने आपको खुद बना के दिए और 5 स्टेप्स में मैंने कहे थे, तो 1 2 3 4 5 स्टेप्स बीच में आ रहे हैं। ठीक है, और मजे की बात ये कि आप चाहें तो इन लाइंस को दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं कुछ इस तरह। ठीक है, सो ये तो था बड़ा सिंपल सिंपल सा ब्लेंड। अब आए जरा सा इसको इंटरेस्टिंग सा और मजेदार सा बनाते हैं। सो लेट्स से मैं एक ये ओवल बना रहा हूं, राइट और आप लोगों को याद होगा रोटेट टूल वाली क्लास, मैंने ये रोटेट किया और मैं एक और कॉपी इसके ऊपर ले रहा हूं। ठीक है, और लेट्स से मैं इनका कलर चेंज कर देता हूं, प्लस मैं इसका वेट कम कर रहा हूं स्ट्रोक का। ठीक है, याद रखें कि इसमें मैं फिल ऑफ कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने फिल ऑफ कर दिया। अब ये बहुत लाइट से आप अगर देखें तो बहुत लाइट से आपके ओवल्स बने हुए आ रहे हैं। चाहे तो आप इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा कर लें। नाउ इन सबको सेलेक्ट करके मैं कर रहा हूं कंट्रोल ऑल्ट बी। अब देखें क्या हुआ, यहां पर ये इसने बीच में मजीद कुछ जनरेट करके हमें दे दिए। अब मजेदार सी बात यह कि अगर मैं इसके स्टेप्स बढ़ाऊं, इस वक्त स्मूथ कलर आ रहा है, मैं स्पेसिफाइड स्टेप्स पे गया और इस वक्त आ रहा है 1 स्टेप। प्रीव्यू ऑन कीजिएगा एंड जस्ट इसके स्टेप्स बढ़ाना शुरू करें। सी, आपके पास बहुत ही डिटेल्ड किस्म के स्पायरोग्राफ बनने शुरू हो जाते हैं। नाउ स्पायरोग्राफ क्या है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा बचपन में एक टॉय आता था, एक स्टेंसिल नुमा चीज होती थी जिसमें सर्कल होता था और उसके साथ कुछ छोटे छोटे से गियर टाइप के होते थे, उसमें हम पेंसिल अटका करके घुमाते थे, पेंसिल या पेन वट एवर। सो ये कुछ इस टाइप की चीजें बनना शुरू हो जाती थी और ये कहलाते हैं स्पायरोग्राफ। सही है, और बहुत मजेदार सी चीज है, आप इसमें डिफरेंट शेप्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई सम अदर शेप। मैं एक और कोई शेप बना रहा हूँ, लेट्स से मैं इस वक्त एक स्टार बना रहा हूँ और कलर मैं इसका थोड़ा सा डार्क रख लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए कि हो क्या रहा है। और याद रखिएगा कि स्ट्रोक मैंने बहुत पतला रखा हुआ है 0.5, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इस वक्त इसको हल्का रखना चाह रहा हूं क्योंकि जब हम स्टेप्स बढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, मतलब हैवी से मेरा देखने में बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है। सो नाउ मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ एंड सी दिस। अच्छा, याद रखिएगा कि मैं हमेशा यहां तक नहीं छोड़ता हूं, मैं एक और कॉपी लेता हूं। उसका रीजन यह है कि अगर मैं यहां तक रखूंगा और फिर इन सबको ब्लेंड करूंगा तो ब्लेंड यहां से यहां तक टूटा हुआ रहेगा, मतलब सही नहीं आएगा, जुड़ेगा नहीं। सो एक बार और एक कॉपी ले लें, इसके ऊपर भी रख लें। ये आप लोगों को सबको पता है कि मैं रोटेट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस कर रहा था। ठीक है, नाउ इन सबको मैं ब्लेंड कर रहा हूं और लेट्स इंक्रीज द स्टेप्स प्रीव्यू एंड सी दिस। Now, I hope कि आप लोगों को यहां तक तो अच्छा लग ही रहा होगा। लेट्स ट्राई वन थिंग, यहां देखें जितने स्टार्स हमने ओरिजिनली बनाए हुए थे आप उनको अभी भी अलहदा से सेलेक्ट कर सकते हो। सही है, सो आप ये जरूर कर सकते हो कि आप इनमें डिफरेंट कलर्स डाल दो। सो लेट्स से मैं यहाँ पे ये ग्रीन डाल रहा हूं, यहाँ पे मैं ये रेड कर रहा हूं, इस वाले पे मैं पर्पल डाल देता हूं एंड सो ऑन। मुख्तलिफ कलर्स आप डालते हुए जाए एंड सी दिस, वो ऑटोमेटिकली आपके कलर्स को भी ब्लेंड करता जाएगा। बहरहाल मैंने बहुत ज्यादा कलरफुल सा बना दिया है, आप जरूरी नहीं है कि इस तरह से कोई चीज कलरफुल सी बनाए। मैं सिर्फ आप लोगों को ये एग्जांपल देना चाह रहा था कि आप अपने ब्लेंड से कुछ इस तरह की मजे मजे की चीजें बना सकते हैं। राइट, नाउ
अब आपके ऊपर है कि डिपेंड करता है कि आप किस हद तक अपने ब्लेंड को यूज करना चाह रहे हैं। सो मैंने कुछ अगर इस तरह की लाइंस भी बना दी और इन सबको मैंने ब्लेंड कर दिया और मैंने स्टेप्स बढ़ा दिए। सी बहुत जल्दी जल्दी से मैं कुछ चीजें आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ ना। आप चाहें तो डायरेक्ट सिलेक्शन से इन लाइंस को सेलेक्ट करके थोड़ा बहुत घुमा फिरा सकते हैं। एंड सी दीज कैन बी यूटिलाइज एज सम गुड बैकग्राउंड्स, राइट? ये आपको बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड बना के दे रहा है। ठीक है। सो यस, इन लाइक इस तरह की लाइंस का बैकग्राउंड आप काफी मजेदार सा बना सकते हैं। सो अगर मैं इन तमाम लाइंस का कलर लेट्स से ये लाइट ब्लू कर देता हूँ और मैं एक बॉक्स बना देता हूँ उसके बैकग्राउंड में। उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ एंड यस सेंड टू बैक। सी दिस, आप लोगों ने इस तरह के कई सारे बैकग्राउंड्स देखे होंगे एंड ये है काफी हेल्पफुल। अब देखें इस तरह की कुछ लाइंस अगर बाहर आ रही हो तो आप लोगों को ये भी पता है कि आप मास्किंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लें। ठीक है, यहां तक अब आप लोगों को समझ में आ गया तो हम ब्लेंड को एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, ब्लेंड में आप ये भी कर सकते हैं कि किसी एक खास पाथ के ऊपर चला दें। सो लेट्स से मैंने एक सर्कल ये बनाया, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, और एक सर्कल ये है जो कि थोड़ा सा बड़ा है। इन दोनों को मैं ब्लेंड कर रहा हूँ कंट्रोल ऑल्ट बी, राइट? लेकिन मुझे ये इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेट लाइन पे या स्ट्रेट पाथ पे नहीं चाहिए, मुझे कोई अपनी तरह की कोई पाथ चाहिए। से मैं एक कर्व बना रहा हूँ, मुझे इसके ऊपर चाहिए। सो आप कोई भी पाथ बना के इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट? इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड में जाएंगे एंड रिप्लेस स्पाइन। सी दिस, आपका ये यूं हो चुका है। लेट्स से मैं इसकी जगह कोई और पाथ बनाता हूं, मैंने अंडू कर दिया, मैं ये बना रहा हूं। और लेट्स से अच्छा एक और चीज, ये स्पाइरल के अगर आप कुछ सेटिंग्स देखना चाहें तो अगर आप खाली इस पे क्लिक कर दें तो आपके पास स्पाइरल की कुछ सेटिंग्स आ रही होती है कि आपके किस तरह का स्पाइरल आपको चाहिए। दूसरी चीज के आप यहां से सेगमेंट्स कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं इस वक्त इस पे सिर्फ 8 सेगमेंट्स रख रहा हूं लाइक दिस एंड मैं ये चाह रहा हूं कि इस पाथ पे ये हमारा ब्लेंड आ जाए। ठीक है, सो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाएं, ब्लेंड एंड रिप्लेस स्पाइन। सी दिस। अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज मैं ये चेंज करना चाह रहा हूं। देखें इस वक्त बड़े वाले अंदर आ रहे हैं और छोटे वाले बाहर आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूं ये बड़े वाले सर्कल्स बाहर आए और छोटे वाले सर्कल्स अंदर आए, मतलब मुझे अपनी स्पाइन जो ये बनी हुई है इसको थोड़ा सा रिवर्स करना है। तो यही ऑप्शन आपके पास यहां पर फिर दिया हुआ है कि अगर आप जाएंगे ब्लेंड में और इस मेन्यू में आएंगे तो यहां देखें रिवर्स स्पाइन आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। हाँ, फिर मजीद आप इसकी सेटिंग्स अगर चेंज करना चाहें तो आप अपने ब्लेंड टूल पर डबल क्लिक करें एंड सी दिस, यहां से आप स्पेसिफाइड स्टेप्स कर सकते हैं, प्रीव्यू ऑन करें, स्टेप्स आप कम करना चाह रहे हैं या ज्यादा करना चाह रहे हैं ये आप यहां से इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो फाइनली इसके बाद हमारे पास आ रहा है ब्लेंड टूल का एक छोटा सा ऑप्शन। देखें अब ये इसमें कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है। हाँ, मैं उम्मीद ये जरूर करता हूं कि आप लोग मुझे कुछ ना कुछ अच्छा सा बना के दिखाएंगे। देखिए, मैं सिंपली ये दो स्क्वायर्स हैं और इनको मैं ब्लेंड कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक तो पहली बात इनको जरा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, और इन दोनों को मैंने ब्लेंड कर दिया कंट्रोल ऑल्ट बी एंड खैर ये अभी इस ब्लेंड को मैं साइड में रख रहा हूँ और मैं फिर से अपना वही स्पायरल बना रहा हूँ एंड इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके रिप्लेस स्पाइन कर रहा हूँ। सो मैं ब्लेंड में गया एंड रिप्लेस स्पाइन में गया। नाउ एक चीज बड़ी अजीब सी लग रही है यहाँ पर, ये देखिए मैं इसलिए स्क्वायर बनाया कि मैं आपको ये चीज समझा सकूं। देखिए सारे स्क्वायर्स बिल्कुल स्ट्रेट बने हुए, मैं चाह रहा हूँ पाथ के साथ साथ ये टर्न हो। ठीक है,
सो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें और ये देखें आपके पास एक प्रीव्यू ऑन कर ली गई, ये देखें आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है कि ये अलाइन टू पेज है और ये अलाइन टू पाथ है। सो प्लीज अलाइन टू पाथ अगर कर लेंगे आप तो ये इजीली आपकी चीजें यूं प्रॉपरली होना शुरू हो जाएंगी। हाँ अलबत्ता आप ये जरूर कर सकते हैं कि बाद में आप थोड़ा बहुत एडिट करना चाहें, मिसाल के तौर पे मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और अब मैं सिलेक्शन टूल लेकर के इसको रोटेट कर रहा हूँ। देखिएगा सारे के सारे इसी के लिहाज से एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो कभी कभार ये होता है कि अगर आप थोड़ा सा अजीब सा रोटेशन दें तो इसके शेप्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं, बस थोड़ा सा देखभाल के आप अपने पाथ के लिहाज से इसको जितना रोटेट करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। और इवन ये भी कर सकते हो कि आप इसको, अब जैसे ये अंदर वाला है, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको सेलेक्ट किया और सिलेक्शन टूल से आकर के मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया एंड इसको भी थोड़ा सा रोटेट में कर रहा हूँ, ठीक है, दैट्स इट। सो यस दिस इज क्वाइट हेल्पफुल, ये बहुत काम की चीज है, आप कई मरतबा इससे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। सो यस ये है आपका ब्लेंड टूल एंड यस अगेन छोटी सी चीज, छोटा टूल। मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लाऊं, इसलिए अब मैं छोटी छोटी सी क्लासेस कर रहा हूं ताकि आप इजीली देखकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, क्योंकि खैर वो जो बड़े सेशंस थे मेरे शुरू वाले वो बहुत जरूरी थे, वो बहुत जरूरी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बुरे हैं, क्योंकि देखें जब आप स्टार्ट करते हो, अब माशाल्लाह से आप लोग काफी एक्सपर्ट हो गए हो यार, काफी कुछ मुझे बहुत मजेदार सा काम दिखा रहे हो। सो अब मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीजें, अब क्लासेस हमारी थोड़ी सी छोटी होती जाएंगी एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और छोटी होती जाएंगी। समटाइम्स हो सकता है कोई टॉपिक बड़ा हो तो मैं उस पर बड़ी क्लास जरूर रखूंगा, लेकिन यार ये बहुत छोटा सा टॉपिक था एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और ये क्लास भी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए नीचे, पूछे मुझसे कुछ पूछना है तो। प्लस हमारी वो फेसबुक की कम्युनिटी, उसका लिंक भी यहाँ नीचे है, प्लीज ज्वाइन करें। आप लोगों के बहुत सारे मसले मसाले होते हैं मुझसे डायरेक्टली, आप जाकर के वहाँ फेसबुक पे मुझसे पूछें, और एंड आई एम हैप्पी अब वो कम्युनिटी थोड़ा सा खुद चलने लग गई है, बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प करने लगे एंड आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। सही है, बहुत मजा आ रहा है देख करके काम, और बहुत अच्छा काम आ रहा है। और या फिर भी शूट मी एनी क्वेश्चन या कोई मसला हो, सो मैं जो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है मैं उसमें एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो मैं कहूंगा, नेक्स्ट क्लास नहीं होने वाली, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ सवाल हैं जो आपकी क्वेरीज हैं मैं उनके जवाब लेकर आ रहा हूँ, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है। सो या देखते रहिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आऊंगा, ठीक है, थैंक यू।